फाइनली नाश्ता कर लिया और कुछ देर में निकलते हैं बाकी भोई भाई से और दिनेश भाई से मिलते हैं। फोटो शूट करना, फोटो अरे फोटो क्लिक करवा लिया यार भाई, भाई कहते फोटो क्लिक करना, फोटो टैग कि मैं बताया यार वीडियो बनने तुम्हारे साथ यार फोटो क्लिक करेंगे। तो भाई भाई के साथ ही फोटो क्लिक कराना है, उसके बाद निकलना है बहादुरपुर मिश्र के लिए। अभी दिनेश देखो रोहित धुल रहा है मेरी बाइक, चलिए भाई पानी। तो आज से रोहित ने धोने का बाइक धोने का काम शुरू कर दिया है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस फाइनली मैं जा रहा हूँ आज एक शादी में, मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है स्कूल टाइम का, हमारा एक दोस्त था, आपने शायद उसके ब्लॉग भी देखा होंगे सौरभ। एक दिन मैं उसके घर पे गया तो उसके ना चोट लगी हुई है, वो खाट पे से उठ भी नहीं पाता है। तो फाइनली आज है उसकी सिस्टर की शादी है, तो मैं और एक मेरा दोस्त है रोहित स्कूल फ्रेंड का, वो भी आ चुका है रूम के अंदर है। हम दोनों निकल रहे हैं सौरभ भाई की बहन की शादी में जा रहे हैं, मतलब हमारी बहन ही है उसकी बहन है। तो फाइनली निकलते हैं कुछ देर में। और उस शादी से पहले ना जो दीदी की शादी है वो नाइट को है, उससे पहले एक शादी और अटेंड करनी है मुझे। अभी पीछे आपने एक ब्लॉग देखा होगा, कल शायद परसों एक भाई दावत देने आया था मेरे घर पे, तो उसका मडा है आज, उसकी कॉल आ रही है बार बार, कह रहा रोशन भाई आ जाओ प्लीज़। तो शाम के टाइम, शाम हो चुकी है वैसे तो, नाइट को शादी है दीदी की, तो दिन में थोड़ी उधर ही उसका गाँव पड़ता है जो लड़का काट दे के गया था। तो फाइनली उसके वहाँ भी थोड़ा सा टाइम देना, उसके बाद निकलेंगे दीदी की शादी के लिए। तो लेट्स गो चलते हैं। और अभी मिलवाता हूँ मैं रोहित से, जो मेरा स्कूल फ्रेंड है अंदर रूम में। रोहित बाहर आ जा बाहर। तो गाइस ये रोहित, ये स्कूल फ्रेंड है, और जो सौरभ है वो तो हमारे सारे स्कूल का स्टाफ था हमारा, और संदीप तो पहुँच भी गए ना, सब चार पांच लड़के हमारे स्कूल के पहुँच भी चुके हैं, जो क्लास क्लासमेट थे हमारे, ट्वेल्थ क्लास पास आउट करी थी जब से हमने। और बस दोनों निकल रहे हैं बाइक लेके, निकलते हैं। तो गाइस फाइनली चलते हैं दीदी की शादी में। और गाइस बाइक की कंडीशन इतनी भयंकर हो रही है ना, आपको दिख रही होगी क्योंकि बारिश का टाइम है, और मैं इसे धुलवा भी नहीं रहा क्योंकि सन जाएगा रोहित, फिर इसलिए धुलवा भी नहीं रहे अभी से, क्योंकि धुलवाने कोई फ़ायदा नहीं है ना, कोई फायदा ना गाइस बताए, इसलिए हम धुलवा नहीं रहे क्योंकि पूरे में गार गार हो रखी है, तो धुलवाएंगे फिर गार में हो जाएगी। तो चलते हैं सीधा दीदी गार है। चलो रोहित भाई बैठो। तो गाइस फाइनली अभी हम रुके हैं बाइक धुलवाने के लिए क्योंकि कंडीशन ना ज़्यादा ही गंदी लग रही थी। रोहित ऐसा अच्छा लगता है यार, हम इतने सैड होकर जा रहे हैं, हमारी बाइक गंदी हो रखी है। तो फाइनली बाइक धुलवा के निकल, गाइस देखो रोहित धुल रहा है मेरी बाइक, चलिए भाई पानी। तो आज से रोहित ने धोने का बाइक धोने का काम शुरू कर दिया है। गाइस देखो रोहित धुल रहा है मेरी बाइक, चलिए भाई पानी। तो आज से रोहित ने धोने का बाइक धोने का काम शुरू कर दिया है। 20 रुपये गाड़ी जिस भाई को बाइक धुलवानी रोहित के पास ले आओ। चलो भाई धुल भाई, रोहित बढ़िया करके धुलनी चाहिए। तो गाइस फाइनली हमारी बाइक धुल चुकी है और सीधा निकलते हैं यहाँ से बहादुरपुर मिश्र के लिए। पहले जाना है मेहरपुर, मेहरपुर। तो गाइस चलते हैं मेहरपुर। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं दिनेश भाई के घर पे, और ये गाइस दिनेश भाई, कैसे हो दिनेश भाई? दिनेश बढ़िया। अरे ये नहीं, अब मैं समझ रहा हूँ आपको हल्दी लग रही है ना इनके, उसका भाई है। गाइस भयंकर सीन हो गया, मैं उनके भाई को भाई समझ रहा हूँ दिनेश। तो गाइस ये दिनेश भाई का घर, आई मिलते हैं उनसे, क्या हाल है? बढ़िया ठीक हो? बढ़िया। गाइस फाइनली इन्हीं की शादी है, ये अपने दिनेश भाई, तो इनके घर पे पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर रुकेंगे फिर यहाँ से निकलना है मुझे। तो गाइस फाइनली अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए दिनेश भाई के यहाँ पे, उसके बाद मुझे निकलना है दीदी की शादी के लिए। सो गाइस आज हुआ अपना नाश्ता, और गाइस बताए इतना मना कर रहे हैं फिर भी ये लोग इतना मीठा ला रहे हैं, और इन्हें मेरे फेवरेट चीज़ भी पता है, पता है दिनेश भाई का छोटे भाई ना बॉबी, उन्हें मेरी फेवरेट पता है कि मैं ब्लैक रसगुल्ले खाता हूँ, तो बोल रहे हैं कि भाई आपके फेवरेट है, इसलिए आप ये जबरदस्ती लेके जा रहे हैं भयंकर। गाइस खा पी के निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। फाइनली नाश्ता कर लिया और कुछ देर में निकलते हैं बाकी भोई भाई से और दिनेश भाई से मिलते हैं। फोटो शूट करना, फोटो अरे फोटो क्लिक करवा लिया यार भाई, भाई कहते फोटो क्लिक करना, फोटो टैग कि मैं यार वीडियो बनने तुम्हारे साथ यार फोटो क्लिक करेंगे। तो भाई भाई के साथ ही फोटो क्लिक कराना है, उसके बाद निकलना है बहादुरपुर मिश्र के लिए। अभी दिनेश भाई से मिलना है मुझे, ये उनके छोटे भाई हैं बॉबी है ना। यार तुम वीडियो में आ रहे हो तो फोटो भी क्लिक कराऊंगा तुम्हारे साथ, टेंशन ना लो। ये तो घर पे गया था ना मेरे, है ना? कहाँ है वो, कहाँ पे है भैया? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे थे? गाइस बताइए, ये करे हमें देख देख के कैमरा घुमा रहे यार, अब तो आ गए, अब चेक कर लेना ब्लॉग में, ठीक है? और बताओ बढ़िया बढ़िया भाई, आप बढ़िया? तो गाइस ये अपने भाई जिनकी शादी है, और कैसा लगा भाई आज? बढ़िया, आ गया मैं टाइम निकाल के तुम्हारी शादी में, है ना? और अभी मैं जा रहा हूँ इसलिए जल्दी में, थोड़ी देर रुक रहे हैं, कोई ना, कल का मैं देखूंगा आपकी बारात में, आना जरूर यार, देखता हूँ बारात के लिए आएंगे जैसे टाइम है ना। हाँ भाई आएंगे, टाइम पर ले लो। और गाइस ये भी अपने एक भाई है, चले भाई, यानी सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई, है ना? तो गाइस फाइनली चलते हैं बहादुरपुर में, मिलते हैं आपको वहीं पे। गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं सौरभ भाई के घर पे, और अभी मिलते हैं सौरभ से भी। और गाइस बताएं हमें ना पहुंचते पहुंचते यहाँ पे नाइट हो चुकी है फुल,
और यहाँ का कुछ सिस्टम। और अभी मिलते हैं अपने सौरभ भाई से। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं सौरभ भाई के यहाँ। क्या हाल है सौरभ? नाइट हो रही है, कुछ फोकस नहीं हो रहा है ना। और भाई क्या हाल है संदीप? बढ़िया ब्रो, बढ़िया। और लोकेंद्र भाई? और भाई सारे बंदे क्लास के सारे। आकाश हाथ में गांधे, तू तो साथ ही आया है। क्या हाल है आकाश? बढ़िया भाई। और क्या हाल है भाई? और कौन कौन है भाई क्लास का? अरे इधर अमनीश भी है। हटी हटी हट हट भाई, हट साइड हट। क्या हाल है? बढ़िया। और बताओ। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सौरभ भाई के घर पे। और अभी सारे दोस्तों से मिलते हैं, पूरी क्लास खड़ी है गाइस। तो पूरी से आप लोग पूरी क्लास और बाकी बंदे बाहर हैं जिनसे मिलेंगे। और नंगा क्यों घूम रहा है तू? हमारे तरफ पलित भाई है। कपड़े कहां तेरे? कपड़े कहां है? अबे तो गाइस फाइनली अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि गाइस शाम के टाइम मैंने खाना भी नहीं खाया। घर से निकला हूं ना, बस जो भाई की शादी में गए थे वहां से नाश्ता करके मैं निकले आया था। तो भूख लग रही है, अपना घर है, हम बोल के कह रहे हैं कि भाई खाना खिलाओ, हमें भूख लग रही है। सारे दोस्त, सारी क्लास आ गई आज मेरी 12th पास आउट। तो अभी हम जा रहे हैं सारा खाना खाने के लिए। सो गाइस ये आ चुका अपना खाना, गोलगप्पे, आलू छोले, गोभी, रसगुल्ले और ये। और गाइस ये देखो संदीप आकाश खिलाने में लगे हुए बैंक पर। पूरी लगाओ यार, पूरी आ यार, ये रास्ते में तो गोलगप्पे कैसे खाऊं मैं? ये रहा पानी, अभी खाते पीते हैं गाइस। और इधर देखो गाइस, ये देखो मेरे साथ मुझसे पहले खा रहा। क्या कह रहा है भयंकर आदमी, कितना खाता है ये? देख यार भाई, भूख लग रही है। दोनों साथ खा लेते ना, कोई बात ना। गाइस देख रहे हो, ये मुझसे पहले खाने लगा, खत्म भी कर दिया। गाइस देखो मैंने भी स्टार्ट भी नहीं करा, इसने खत्म कर दिया। भाई इतना भी भुक्कड़ क्यों है तू? ओए इधर देख, इतना भुक्कड़ क्यों है? चल खा ले। तो गाइस फाइनली हमने खाना खा लिया है। और गाइस नाइट हो चुकी है फुल, कुछ ही देर में दीदी की बारात आने वाली है। जो भी कुछ होगा ब्लॉग में बनेगी, आगे देखने को मिलेगा आपको। और अभी बाकी लोग खड़े हैं सारे अपनी क्लास मेट पूरी फुल क्लास मेरी गाइस। बैंकर बहुत दिनों बाद इन्हें हम ये गाइस सारे 12th के बाद मिलते रहे, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार मिले। रोहित से बहुत दिनों बाद मिला, रोहित से, सचिन से। इससे तो मैं बताए इसको भालू बोलते थे, भालू नहीं, 12th के बाद पहली बार मिल रहा हूँ इससे। और इससे बाकी तक इससे मिलता रहता हूँ, इससे मिलता रहता हूँ। और इससे भी बहुत दिनों बाद मिला लोकेंद्र से। और इसका घोड़ी का देखा पहले भाई? घोड़ी, ये अपनी घोड़ी है भाई। क्या हाल है? अभी मिला, अभी जो कर रहा था वाली पोजिशन कर। बैंकर।